हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो इमेज जब फॉर्मेशन करेंगे उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ठीक है। तो इसमें अगर रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी, ठीक है, तो उसके फोकस से होके जाएगी, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव सेंटर हो गया, ये एक एक तरफ का फोकस हो गया, ये दूसरी तरफ का फोकस हो गया, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल एक्सेस के, पहला रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सेस के अगर पैरेलल लाइट आ रही होगी तो लेंस पे पड़ने के बाद वो फोकस से होके जाएगी। इसमें भी देखिए पैरेलल आ रही है रे, लेकिन किधर देखिए किधर की तरफ हो जा रहा है, फोकस हो जा रहा है इसका फोकस की तरफ। और अगर लाइट फोकस से होके आती है, लाइट कैसे जाती है, फोकस से होके जाती है, तो लेंस पे पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें भी देखिए वही दिखा रहा है, लाइट कैसे आ रही थी, फोकस से आ रही थी, मगर इस पे पड़ने के बाद कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी लाइट तो बिना कहीं डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस में जाए चाहे कॉनकेव लेंस में जाए। अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इन्फिनिटी पे, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उस समय इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, इसका मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो वहाँ से लाइनें पैरेलल आती है। तो ये देखिए ये पैरेलल लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सेस के, और इस पर पढ़ने के बाद ये कहाँ पर हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी, फोकस पर। हम लोगों ने देखिए इसमें अभी ऊपर पढ़ा है तो सारी लाइनें फोकस पर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और जो ये सेकंड फोकस है, ये मतलब फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, तो इसको हम लोग रे दो तरीके से लाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ले जाएंगे और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, इस रूल को फॉलो कराते हुए। तो देखिए इस तरीके से ले गए तो इस पे पढ़ने के बाद ये फोकस से होके जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कहीं से भी डाइवर्ट नहीं होगी। और देखिए जहाँ पे दोनों लाइन कटेगी वहीं पे इसका इमेज बनेगा, तो इसका मतलब ये सीधा रखा था, इमेज कैसा बना, उल्टा ए डैश बी डैश नीचे की तरफ बना और पहले से छोटा बना, और कहाँ पे बना, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में कहीं बना, ठीक है। थर्ड केस में हम लोग ठीक सेकेंड फोकस पे रख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे रहे हैं, ठीक सेकेंड फोकस पर। तो इधर की तरफ सेकेंड फोकस पे रख रहे हैं, तो वही रूल से हम लोग ले जाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ले जाएंगे और एक ऑप्टिकल सेंटर से रे ले जाएंगे। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होके जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो डाइवर्ट नहीं होती। तो ये दोनों ठीक, जैसे ये फर्स्ट फोकस है ये सेकेंड फोकस है लेफ्ट हैंड साइड का, तो ऐसे ही ये फर्स्ट फोकस है और ये सेकंड फोकस है राइट हैंड साइड का। तो अब क्या हो रहा है, ठीक सेकंड फोकस पे इसका इमेज उल्टा बनेगा, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इसमें इमेज भी बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट छोटा बनता था, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता था छोटा बनता था, इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, वो थोड़ा सा वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनेगा। इसमें छोटा बनता था, इसमें ठीक इसके बराबर बनेगा।